Yes, students, listen. Instructions regarding your practical for group coming tomorrow. That is group one. अब group one जो है आपका practical timings आपको convey कर दी गई है 8:30, 8 to 10 and then 11:30 onwards. And group three also. हाँ and group three also. So there are two groups tomorrow. And एक तो आपने अपनी file लेके आनी है, एक chart लेके आना है. इन दोनों के मार्क्स हैं. आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने को मिलेगा, एक्टिविटी नहीं आएगी आपको. एक्टिविटी में से वाइवा पूछा जा सकता है, बट दैट इज नॉट फॉर परफॉर्मिंग. एक्टिविटीज हमने दो की थी, डबल इंक्लाइन प्लेन एंड सिलेंड्रिकल रोलर की, ठीक है. बाकी फोर आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन फोर में से वन आएगा. उन फोर में से आपको वन एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा, ठीक है. और सेकेंडली ये कई बच्चे कह रहे हैं कि दूसरे सेक्शन को डिफरेंट करवाए हैं, कम कराए हैं, हमें ज्यादा कराए हैं. आपको जितने करवाए हैं आपको उसमें से आए, ठीक है. तो डोंट वरी, आपने कुछ छोड़ना नहीं है उसका. और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि वाइवा थ्योरी से रिलेटेड आएगा, प्रैक्टिकल से रिलेटेड आएगा. तो मैंने आपको बताया कि ये जो प्रैक्टिकल्स अल्टीमेटली दे आर रिलेटेड टू थ्योरी ऑल्सो. हमारा जैसे सिंपल पेंडलम है तो वो इसमें भी तो आ ही जाता है ना, है ना. और वर्नियर और स्क्रू गेज के आप देखोगे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, उसके क्वेश्चन ही बीच में दिए हुए हैं. तो वो हम वहां से आपके आते उसके अपने आप आ जाएंगे. सिग्निफिकेंट फिगर तक तो आराम से पहुंच ही जाएंगे हम. और सिग्निफिकेंट फिगर तक पहुंच गए, राउंडिंग ऑफ भी पूछ सकते हैं. मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंटर रिलेटेड जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं हम पूछ सकते हैं, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंगली आइए आप, राइट. If you have any doubt from your side, you can ask. Any doubt from your side, you can ask. Or some students are asking कि हम कल ही practical file check करवा लें. बच्चे आप मुझे बताओ, paper है ये, paper. Paper में 1.5 hour का already time है. हम आपका viva लेंगे, हम आपकी readings check करेंगे, कि हम आपकी files check करने बैठेंगे. और वैसे भी ethically this is wrong कि हम paper में आपकी file check. हमने तो file के number लगाने, तो हम फाइल थोड़ी ना चेक करेंगे. अगर मैं उस टाइम पे फाइल चेक करूंगी तो आपके मार्क्स कैसे लगेंगे फाइल पे, ठीक है. खुद ही सोचो ना, आके चेक करा के जा सकते हैं. हाँ जी, करवा सकते हैं, वो करवा सकते हैं, ठीक है. और एक यूजी है, ऑल डाउट्स रेक्टिफाइड रिलेटेड टू प्रैक्टिकल्स. कोई डाउट तो नहीं है आपको, ठीक है भाई. प्रैक्टिकल का सारा क्लियर हो गया. अब आपको एक एक्सपेरिमेंट आना है, उसकी मिनिमम 3 रीडिंग्स लिखनी है. और अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ भी बनाना है. प्रोसीजर नहीं लिखना होता, प्रोसीजर नहीं लिखना होता पेपर में, बाकी सब कुछ लिखना होता. सिर्फ प्रोसीजर नहीं लिखना, थ्योरी लिखनी है जरूर. थ्योरी में क्या लिखते हैं हम, थ्योरी मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू डिवाइस और लॉ. उसमें हम लॉ लिख सकते हो या कोई डेफिनेशन दे सकते हो. जैसे कि सिंपल पेंडुलम है, उसका एक्सपेरिमेंट है, तो आप उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन लिख के आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्क्वायर करके वो जो भी है जी निकाल दो, ये आपकी थ्योरी हो जाएगी, ठीक है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डेफिनेशन दे के ये लिख लो, ये आपकी थ्योरी होगी. लिमिटिंग फ्रिक्शन में आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं कि वो क्या होता है, और लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इफ यू वॉन्ट टू राइट एक आधा लॉ लिख सकते हो, ठीक है. ये आपकी थ्योरी होगी फ्रिक्शन एक्सपेरिमेंट. और उसके बाद वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, उसमें आपकी थ्योरी है डिवाइस के बारे में बताना है आपको, कि वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस दैट गिव्स अस रीडिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. सो इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कांट फाइंड यूजिंग अ स्केल, ऐसे करके आप. और स्क्रू गेज का और भी ज्यादा रेजोल्यूशन है, इससे हम कौन सी चीजों की थिकनेस फाइंड कर सकते हैं वो बता के आप ये बताओगे कि आउट ऑफ मीटर स्केल वर्नियर एंड स्क्रू गेज विच वन इज बेटर. स्क्रू गेज इज बेटर क्योंकि इट गिव्स अस मोर प्रिसाइज रीडिंग, प्रिसीजन ज्यादा होगा, हमें ज्यादा मतलब प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी, ठीक है. तो ये उसकी थ्योरी में, बाकी जीरो एरर वगैरह करेक्शन वो सब आपने बना देंगे, ठीक है. डायग्राम हमने वर्नियर और स्क्रू गेज का नहीं बनवाना,
वर्नियर और स्क्रू गेज का डायग्राम सिर्फ फाइल के लिए, वो बनाने बैठोगे तो 1.5 घंटे में तो डायग्राम ही बनाते रहोगे आप, वो नहीं बनाना है। हाँ वो बना सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का छोटा सा डायग्राम बना सकते हो आप, उसमें तो हमने वो एल और कैपिटल एल के बारे में बताना जरूरी है ना, इसलिए वो बनाना। ठीक है, अब क्लियर है सब कुछ? तो प्रोसीजर को रट्टे नहीं लगाने, प्रोसीजर नहीं आए। ठीक है, थ्योरी लिखनी है वो तो आपको वैसे ही देख के पता लग जाएगा डिवाइस को, राइट? यू विल बी प्रोवाइडेड द ग्राफ पेपर ऑल्सो, ग्राफ पेपर वहीं पे मिलेगा लैब में आपको, वहीं से लेके आपने उसके साथ अटैच करना है। स्टेपलर अपना लेके आना है, स्टेपलर अपना लेके आना है, नो एक्सचेंज विल बी अलाउड। ठीक है, पेंसिल स्केल इरेजर सब अपना होना चाहिए, फाइन। और एक और डाउट अगर आपके मन में है कि ग्रुप में करना है कि इंडिविजुअल करना है, आपके इंडिविजुअल मार्क्स हैं इसलिए इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, वो तो क्लास में आप ग्रुप बना के करते हो, पेपर में अकेले अकेले करना। ठीक है, सब कुछ क्लियर है अब? सो यू विल बी गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी अलॉटेड द एक्सपेरिमेंट, देन यू विल बी गिवन 15 मिनट्स फॉर राइटिंग दैट एक्सपेरिमेंट, ड्रॉइंग द टेबल एंड लीविंग द स्पेस फॉर कैलकुलेशंस। वो सब कुछ पहले करके रख लोगे, फिर उठोगे, एपरेटस लोगे, रीडिंग्स नोट करोगे और कैलकुलेशन करके कंप्लीट होगा, ऐसे होगा। ठीक है, एंड दोज हु गेट द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर, आई वॉन्ट टू से कि वो जितना सिंपल लगता है देखने में, सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में कट होते हैं आपको, वर्नियर और स्क्रू गेज में। अगर आप यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते हो, मिलीमीटर सेंटीमीटर आपका पॉइंट इधर उधर हो गया तो रीडिंग पूरी गलत हो जाए और आपका सिर्फ एम और एपरेटस के मार्क्स रह जाएंगे और प्रिकॉशंस के। आप सोच लो कि बॉडी ऑफ एक्सपेरिमेंट मेन जो है वो सब गलत हो जाएगा, अगर रीडिंग गलत है, कैलकुलेशन गलत है, आंसर गलत हो। तो वर्नियर और स्क्रू गेज की रीडिंग यूनिट ध्यान से लिखनी। कई बच्चे लीस्ट काउंट लिख रहे होते हैं सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में और मेन स्केल रीडिंग लिख रहे होते हैं दूसरे यूनिट में, फिर जब उनको ऐड कर देते हैं वो गलत हो जाता है। और एक चीज और, वर्नियर की सारी रीडिंग्स 2 डेसिमल प्लेसेस तक होनी चाहिए, रिजल्ट तक सारी रीडिंग्स 2 प्लेसेस तक होनी चाहिए। देखो जो आपने डायमीटर लिया है पेंडुलम बॉब का, वो तो है ही 2 प्लेसेस तक, जब आप उसका मीन लेते हो तब भी 2 प्लेसेस तक ही रखना है, अगर नहीं है तो राउंड ऑफ करना है उसको, और फिर जब रेडियस 2 से डिवाइड करके निकालना है तब भी 2 प्लेसेस तक रखना है। उसके बाद जब वॉल्यूम आपने निकालना है 4/3 πr³ से, तब भी जो आंसर आता है उसको 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना। वर्नियर की सारी चीजें 2 प्लेसेस तक होनी चाहिए, स्क्रू गेज की सारी चीजें 3 प्लेसेस तक होनी चाहिए। स्क्रू गेज की सारी कैलकुलेशन आपकी राउंड ऑफ करनी है अप टू 3 decimal places, एंड व्हाइल राउंडिंग ऑफ यू हैव टू टेक केयर ऑफ रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंडिंग ऑफ करते टाइम रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको ध्यान में रखने। ठीक है, गॉट इट? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड याद है आपको? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किया था हमने, क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? हू विल टेल मी? 10 की पावर, 10 की पावर को कहते हैं। चलो लिखो एक क्वेश्चन, राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.6, राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.6। चलो बताओ क्या होगा? हाँ, इसको पहले आपने साइंटिफिक नोटेशन में या तो लिख लो, ठीक है, तो ये इसको आप किस कैसे लिखोगे? 6 × 10⁻¹। अब 6 जो है -1 नहीं आएगा इसको, 6 जो है ग्रेटर देन 5 है, इसको आप 10 मानोगे, 6 इज ग्रेटर देन 5, इसको आप 10 मानोगे ना। 10⁻¹ कितना हो गया? 10⁻¹ हो गया, इसका आंसर 1 है, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 0। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.6 है 0, देख लो 10 की पावर को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो पहले, फिर इस कॉम्प्लिकेटेड पे आते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ सन,
राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ सन. तो पहले तो मास ऑफ सन पता होना चाहिए कितना है. 2 × 10⁻³० kg. अब ये पावर तो ठीक है, पहले हम ये वाला नंबर चेक करते हैं. इफ इट इज लेस देन 5 हम इसको 1 मानते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, तो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 30. अब सपोज कर लो हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है. लिखो क्वेश्चन, राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन था. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी वैल्यू है इसकी, 9.1 × 10⁻³⁻³ kg. ये वैल्यू है ना. अब 9 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, इसको आप 10 मानोगे, इसको आप 10 ले लोगे. 10 × 10⁻³⁻³ is 10⁻³⁻³. सो द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -30. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -30, लाइक दैट. हाँ, अब आओ आप, अब आओ पॉइंट 6 पे. इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया. अब 6 इज ग्रेटर देन 5, इसको 10 मान लिया. 10⁻¹ और 10⁻⁻¹, 10⁻⁰, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया, 0. अब आपको ये समझ आ गया. ठीक है, टेस्ट कर लिया था आपने. एक और क्वेश्चन लिखो. राइट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10³ + 10⁶. अब इसका बताओ क्या होगा. कितना, नहीं नहीं इकट्ठा है ये, बताओ कितना है इसका. एनीवन? यस जतिन, यस जतिन, व्हाट इज आंसर? 9. कैसे भाई, नो. आप ऐसे करो, 10³ कॉमन ले लो, जैसे 1 + 10³. ये बन गया है ना. अब इसको लिखो साइंटिफिक नोटेशन में. × 10⁻¹ क्या बन गया, यहाँ पे पॉइंट लगाया ना आपने, 10⁻⁶ बन गया. अब करो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड. ये तो इग्नोर हो गया, 6 है इसका. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10³ + 10⁶ इज 6. हाँ मैं वही कर रही हूँ. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के क्वेश्चन इस तरह से करने हैं. राउंडिंग ऑफ आता है ना, कुछ पूछना है राउंडिंग ऑफ का तो पूछ लो. अगर 5 है, आई से राउंड ऑफ दिस नंबर सो दैट इट कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. राउंड ऑफ दिस टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बताइए क्या आंसर आएगा, कितना. 3.02. यस, इसका आंसर आएगा 3.02. क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली 5 है तो आप इसको चेक करोगे,
If it is odd, then make it even. If it is even, let it be even. Let it be as such. ठीक है चलिए टेस्ट डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है अ कांस्टेंट फोर्स दिख नहीं रहा पूरा. आई हैव स्प्रेडशीट. बोलो किसी के पास खुला हुआ है तो फर्स्ट क्वेश्चन स्पीक अप. फर्स्ट क्वेश्चन यस स्पीक द फर्स्ट क्वेश्चन रेज हैंड. कांस्टेंट फोर्स वाला क्वेश्चन बोलिए जल्दी से. और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है रिवीजन टेस्ट 2 आई हैव देयर नेम्स विद मी. 12 students, more than I think 12 students have not given the test. ठीक है जी. हाँ. Changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of motion of the body remains unchanged. Magnitude of forces A option at 8 newton, B 1.8. फोर्स तो आपका सिंपल ये तो 9th वाला फॉर्मूला लगना है. सी पार्ट है आपका आंसर 0.18 newton. इसका आंसर है सी पार्ट और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन इट करेक्टली. तो ये फॉर्मूला लगना है. आपका आंसर है 0.18 newton. फर्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट इज करेक्ट. सेकेंड है व्हाइल लॉन्चिंग अ रॉकेट चलिए सेकेंड क्वेश्चन बोलो जतिन. While launching a rocket of mass 20,000 kg, a force of 50,000 newton is applied for 10 seconds. The velocity attained by the rocket at the end of 10 seconds is A 250 meter per second, B 150 meter per second, C 300 meter per second, and D 400 meter per second. तो क्या आंसर है आपका? A is the answer 250 meter per second I think. यही आंसर आ रहा है? Yes. तो रॉकेट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर था सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट 250 newton. एक बार स्टेटमेंट दोबारा बोलना. व्हाइल लॉन्चिंग अ रॉकेट ऑफ मास 20,000 kg, अ फोर्स ऑफ 50,000 न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 10 सेकंड्स. द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट एट द एंड ऑफ 10 सेकंड्स इज ए 250 मीटर पर सेकंड, बी 150 मीटर पर सेकंड. अगेन दिस फार्मूला विल बी यूज्ड. तो रॉकेट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप सीधे बैठो, उसमें भी यही फॉर्मूला यूज होना है. तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट है तो बी जीरो ले सकते हो आप. 20,000 मास दिया हुआ रॉकेट का, उसकी वेलोसिटी दी हुई है बाद में या पहले जो भी है, तो यही फॉर्मूला लगेगा. टाइम इज ऑल्सो गिवेन. आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट 250 मीटर पर सेकेंड, ए पार्ट. थर्ड क्वेश्चन A force of 5 newton gives, ये वाला थर्ड क्वेश्चन का सी आंसर. आंसर्स नोट कर लो आप. हाँ थर्ड क्वेश्चन का बी है. और फोर्थ क्वेश्चन अ बैट्समैन हिट्स, बैट्समैन वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है डी पार्ट. दिख नहीं रहा मेरे को. फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो भाई. फोर्थ क्वेश्चन बताना. हाँ दिवांशी. हाँ अगर आपके पास है तो आप शेयर कर सकते हो. यस थर्ड क्वेश्चन एक बार ही देख लेते हैं पहले. फोर्थ देखो. अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर
without changing its initial speed of 12 meter per second. If mass of the ball is 0.15 kg, then the impulse imparted to the ball is how much? So, yahan pe hum impulse momentum theorem lagayenge. Impulse is change in momentum. Impulse is change in momentum. So, batsman jo hai ball ko hit karta straight direction mein, bowler ki, without changing the value. तो पर वो जब वापस आएगी तो उसका साइन ऑपोजिट हो चुका होगा. ठीक है, तो इसका आंसर कितना है निकाल लेते हैं. चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू. तो मास है बॉल का 0.15, वी अगर आप ले लेते हो माइनस, ये आपकी मर्जी है, माइनस 12 और माइनस 12. अब इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा, सी पार्ट आ जाएगा 3.6 न्यूटन सेकंड. सो आंसर इज माइनस 3.6 न्यूटन सेकंड. ये फोर्थ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फाइव. Accelerated motion is always due to internal force, frictional force, external force, external force. तो ये आ जाएगा external force. ठीक है, दिवांशी स्लाइड करना इसको. नहीं नहीं अगला स्क्रीनशॉट शेयर कर दो. टेंथ है, अ बेंड इन अ लेवल रोड हैज अ रेडियस ऑफ 100 मीटर. मतलब सर्कुलर ट्रैक का रेडियस 100 मीटर है. द मैक्सिमम स्पीड विद विच अ कार टर्निंग दिस बेंड मे हैव विदाउट स्किडिंग इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.8 कैन बी. मतलब स्पीड कितनी हो सकती है मैक्सिमम, न्यू दिया हुआ है आपको 8, 18, 28, 38. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, न्यू इज इक्वल टू आर, वी इज इक्वल टू अंडर रूट न्यू आर जी. वी इज इक्वल टू अंडर रूट न्यू आर जी. न्यू है आपका 0.8, रेडियस ऑफ द ट्रैक इज 100 मीटर एंड जी को भी 10 ले लो. ठीक है, तो ये आपका कैंसल हो गया 800 का अंडर रूट. तो ये सॉल्व करके आपका सी पार्ट आ रहा है 28, जी को 9.8 अगर ले हम तो ये पूरा पूरा बन जाएगा. 18 का स्क्वायर क्या होता है, 28 का स्क्वायर 28 वो आ जाएगा. मतलब इसको सॉल्व करके आ जाएगा 28. आंसर आ जाएगा आपका 28 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जी 10 नहीं ना दिया हुआ, फिर 9.8 ही लेना है. हाँ ये किया हुआ है हमने, पूरा आर्टिकल किया है. बैंकिंग ऑफ रोड्स के आगे दो आर्टिकल किए हमने किए हैं. 11th है ऑन अ बैंक रोड फॉर अ सेफर कोर्स ऑफ एक्शन इनर एज इज रेज आउटर एज. इसका आएगा आंसर आउटर एज को रेज कर, आउटर एज इज रेज्ड.